हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनय खुशबू झा ब्लॉग। तो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो भी नए नए ब्लॉग में जुड़े हैं, जो भी ब्लॉग में नए नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड तक ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए, आज की ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और एंड तक आप लोग बने रहिए। तो बताती हूँ आज ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। ये देखिए, अभी जो प्रत्यूष है ना, वो अभी फ़ोन में व्यस्त है और उनकी मम्मा जो है बुला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। देखिए फोन में इतना बिजी हुआ है, देखो देखिए ये सब। और बेचारा पिताश्री देखिए, दोनों को देख के चुपचाप बेचारा बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है दोनों में से किनको संभाले क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं समझने वाला है। और दीदी जो है अभी दिल्ली से आए हैं और सैटरडे संडे हॉलीडे भी है, और अभी इनका जो है कल हैप्पी बर्थडे, यानी 12 बजे के बाद हैप्पी बर्थडे भी आने वाला है। तो इनके चैनल में भी ब्लॉग आएगी इनकी, ये सब देखिए। गर्म हो चुकी है ये, तो यहाँ चावल जो है धुल चुका है और मैं ये सिस्टर से बनवा रही हूँ क्योंकि मेरे को खाना बनानी नहीं आती है गाइस, इसलिए मेरी सिस्टर मेरे को बता रही है, सिखा रही है। मैं इसको बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सिखा भी रही हूँ साथ में ताकि पुलाव बनाना सीख ले। तो यहाँ देखिए, ये घी डालेगी पहले एक चम्मच, हाँ एक चम्मच बस। अगर भूल भी जाऊंगी ना तो ब्लॉग देख के याद रहेगा। हाँ दो चम्मच। कितना गया? एक चम्मच, दो डालिए और डालिए और डालिए बस तीन। चलिए ये सारा डाल दो। तेज कर दूँ क्या? हाँ जल गया, थोड़ा सा सारा धुआं। ये चली गई पुलाव वाला चावल, इसमें अच्छी आ रही है ना। हाँ घी डालिएगा ना तो घी से थोड़ा सा अलग, मतलब डबल टेस्ट आता है उसे। और ये तो सभी को जानते हैं बनाने के लिए बस इसको चला दीजिए, चला के हाँ आपका मन है ना तो 2-3 मिनट फ्राई कर दीजिए हल्का। दो तीन मिनट इसको फ्राई करिए, बंद करिए। दिख रही है? दिख भी नहीं रही है मेरे को। एक तरह ऐसे करके, मोबाइल ऐसे करके, ऐसे करके भर गया है। चार ना भर गया, जा अब नहीं बनेगा। मम्मा नहीं वांट। अभी पुलाव बन रही है, पुलाव मैंने चढ़ा दिया है और वो जो है यहाँ पे अभी चिकन रखा हुआ है, और ये जब बन जाएगी उसके बाद चिकन का प्रोग्रेस आगे किया जाएगा। और ये मेरी सिस्टर है, इनका भी चैनल है रितु ब्लॉग करके, है ना दी? इनका भी चैनल है रितु ब्लॉग करके, क्या नाम है बताइए? रितु सागर फैमिली ब्लॉग, रितु सागर फैमिली ब्लॉग करके है। इनके चैनल को भी आप, मतलब इनका नाम भी सर्च करिएगा तो चैनल आ जाएगी, तो आप इनको भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आज जो है 2-3 घंटे बाद 12 बजे के बाद मेरी सिस्टर का जो है हैप्पी बर्थडे आने वाली है, और भैया लोग आज लेट बहुत बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। और जितना हो सके मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि थोड़ी सी जो फैमिली रहते हैं तो बिजी भी हो जाते सब, और बात करने से फुर्सत भी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात तो वो है। और ब्लॉग
दीदी क्या कर रहे हो आप? अभी चिकन बनाने, मैं चिकन बनाऊंगी हाँ? अपने स्टाइल में, इसीलिए यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ। हाँ तो ये प्याज तो बहुत कम लग रहा है, और भी देना पड़ेगा लगता है। और आप छील दो ना, छील के। हाँ हाँ इतना प्याज है ना, इतना ही प्याज और छीलिएगा, ठीक है? हाँ इतना ही प्याज और छीलिएगा। आप भी कुछ बोल रहे हो सर, कुछ बोल रही हो आप भी? आधे फेंक के आपको भी पानी पिलाएगा। अच्छा पानी पिलाइएगा, फेंक के पानी पिलाइएगा। थैंक यू इसके लिए भी सर। और जीजू बताओ कैसा लग रहा है? पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा, तेरे से भी कैसे बता दे। अच्छा तो आज तो आपकी वाइफ का बर्थडे है, मतलब 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद, सॉरी अभी नहीं, 12 बजे के बाद आने वाली है ना, 7 तारीख को, 7 अप्रैल। तो सर पार्टी दे रहे हो ना, आज तो आप ही सबके तरफ से पार्टी है जी। तो पार्टी मैं कैसे दूं, जिनकी जिनका बर्थडे वो देंगी ना। हाँ दी, तो क्या सब आ रहा है? मैं कमाती थोड़ी हूँ। चिकन, और चिकन में तो आ गया, मिठाई आ गई, और दारू वारू भी मंगा रहे हो क्या? भैया ही नहीं पीते हैं, भैया पीते तो पक्का इनका भी चलता है ना। पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है। अरे मैं पीऊंगी ना जीजा जी के साथ। पक्का? पक्का, मैं जा रहा हूं बियर लाने। हाँ चले, तब तो लेट नाइट पार्टी होगी। तो है यो ये, मतलब प्याज लहसुन, सॉरी लहसुन रखी हुई है अभी, इसको लहसुन और कच्चा मिर्च दोनों को डाल के इसको कूटेंगे, ठीक है? और ये जो है पुलाव बन के रेडी हो चुकी है, और वो चाय बच गई थी। ऑन हो गई है अब, किचन से निकलो, किचन से निकलो। अभी इसमें वो खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो डाले हैं ऑयल में, और उसके बाद फिर अभी प्याज डाले और कूटा हुआ अदरक डाले हैं। अब डालने जा रहे हैं इसमें नमक, स्वाद अनुसार। हाँ स्वाद अनुसार नमक, कोई कोई तेज नमक खाते हैं, कोई कम नमक खाते हैं, है ना। हमको लाल मिर्च ना हम लोग कम यूज करते हैं, ज्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा सा। और अभी भाई कैसे गए अचानक, 2 मिनट में प्लानिंग हुआ, 2 मिनट में निकल गया वो। खाटू श्याम के लिए बंद करिए। पानी बच रही है ना, खुलता रहेगा तो टिकट कैसे भी मिल जाएगा, और चले जाएंगे हम लोग। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने का, अभी नहीं बताएंगे, जब जाने वाले रहेंगे ना तब बताएंगे, तब ब्लॉग में दिख।
दिख जाएगी ना फिर ब्लॉग में दिखेगी, रील में दिखेगी, बट लोकेशन अच्छी है जहाँ जाएंगे। बोला जाता है ना कि धाम जाने के लिए, बस धाम जाने इतना बता देंगे, बता रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे वो तो आपको ब्लॉग में दिखेगा। और पहले से नहीं बोलना चाहिए ना भाई, भगवान जी का जब बुलावा था तभी भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे, है ना खुशबू, तभी जाएंगे। बिल्कुल डर ये ले लो, मैं तो पोछा मारे तो नहीं तो बाबू आएगा तो पाँव में लग जाएगा। ये बोल रहे हैं मोबाइल ठीक है।